स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, आप सुबह काम से घर से निकलते हैं, कोई गारंटी नहीं कि आप शाम को घर वापस आते हैं या नहीं। आपको याद होगा एक बार जमरूदपुर का वाकया है कि वहाँ मेट्रो का काम चल रहा था और एक हादसा पेश आया जिसमें उस वक्त जो मेट्रो के हेड थे ई मुरलीधरन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यानी कि उन्होंने नैतिकता के नाते या उन्हें इतनी तकलीफ पहुंची इस हादसे से कि उन्होंने मेट्रो से रिज़ाइन दे दिया, जिन्हें मेट्रो मैन कहा जाता था। आज ऐसा ही एक वाकया बेंगलोर में पेश आया है। बेंगलोर में मेट्रो का काम चल रहा है, दिन के 11 बजे 40 फुट का एक पिलर खड़ा किया जा रहा था। बराबर से एक बाइक वाला गुजरता है जिसके हेलमेट लगाए, पीछे उसकी वाइफ है उसके भी हेलमेट लगाए, 2.5 साल के जुड़वा बच्चे भी बाइक पर साथ हैं और वो 40 फुट का पिलर उनके ऊपर गिर जाता है। उस औरत की और एक बच्चे की यानी कि बेटे की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक बेटी और उसका पिता अस्पताल में सीरियस है। न मेट्रो की कोई जिम्मेदारी है, न कोई सुरक्षा के मानक थे। दिन के 11 बजे पिलर खड़ा किया जा रहा है और ट्रैफिक भी गुजर रहा है, न कोई ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी थी, न कोई पुलिस की जिम्मेदारी थी। एक औरत की मौत हो जाती है, एक बेटे की मौत हो जाती है और एक बेटी और एक पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मेट्रो ने ऐलान किया है कि 20 लाख रुपये हम इसका मुआवजा देते हैं। अब देखते होंगे दिल्ली में भी काम चलता है, लेकिन ये दिन में नहीं, ज़्यादातर काम रात में होता है। मेट्रो के जो रेडीमेड पिलर लगाए जाते हैं, ज़्यादातर वो पिलर रात में लगाए जाते हैं। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है या ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, और रात में वैसे भी ट्रैफिक कम होता है, ये सारे काम रात में होता है। आप देखें कि 40 फुट का एक लोहे का पिलर खड़ा किया जा रहा है और बराबर से ट्रैफिक गुजर रहा है, और वो भी दिन में पिलर खड़ा किया जा रहा है, और एक फैमिली उसकी जद में आ जाती है। आइदर आप देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मोरबी का पुल टूटा और लोग इस हादसे का शिकार हुए। कौन दोषी है, इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, किसका नाम FIR में है किसका नहीं, आप भली बात जानते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले एक दिल्ली में एक लड़की के साथ एक ज्यादती हुई, एक हादसा पेश आया, लेकिन इसमें इंक्वायरी ये की जा रही है कि लड़की ने शराब पी थी या नहीं, कौन लेके गया था, कौन वहाँ मौजूद था। सवाल ये होना चाहिए कि उस रात दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी जब 12 किलोमीटर तक उस लड़की को घसीट के ले जाया जा रहा था। रास्ते में 5 जगह PCR थी, क्यों नहीं उनकी नज़र पड़ी। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में चप्पे चप्पे पे कैमरे हैं और कंट्रोल रूम से उन पर नज़र रखी जा रही है। कहाँ थे वो कैमरे और क्यों नहीं रखी गई उन पर नज़र, इसका मतलब ये कि इंसानी जान की कोई कीमत अब नहीं है।